अन अकेडमी के टीचर का बयान, पूरे देश की राजनीति में मचा घमासान। क्या पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना सही? क्या पढ़े लिखे होते हैं ईमानदार, अनपढ़ होते हैं बेकार? हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे, आप हकीकत समझ जाएंगे। कितना सही है पढ़े लिखे को वोट देने का बयान। पहले केजरीवाल, अब इससे शिक्षक ने क्यों किया अनपढ़ नेताओं को टारगेट? इससे टीचर की मदद क्यों करने लगा विपक्ष? क्या है इस बयान में वो झोल? आज हम खोलेंगे इस बयान की पूरी खोल। जैसे ही अन अकेडमी की टीचर करण सांगवान ने छात्रों से शिक्षित उम्मीदवार के लिए वोट करने की अपील की, देश की राजनीति में हड़कंप मच गया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या वास्तव में देश के सारे पढ़े लिखे नेता ठीक होते हैं? क्या अनपढ़ नेताओं के अंदर कोई काबिलियत नहीं होती? जैसे ही ये बयान आया, पूरा विपक्ष एक्टिव हो गया। अब सवाल खड़ा होता है कि पहले केजरीवाल और अब देश के प्रतिष्ठित संस्थान के एक टीचर का ये बयान कितना सही है? तो चलिए आपको कुछ पढ़े लिखे और कुछ अनपढ़ नेताओं के आंकड़े बताते हैं, फिर पूरी कहानी बताएंगे। पहले पढ़े लिखे नेताओं की कहानी सुन लीजिए। तो चलिए कांग्रेस से शुरू करते हैं। नंबर एक, पी चिदंबरम। ये जनाब पढ़ाई के मामले में एकदम अव्वल हैं। देश तो छोड़िए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड तक पढ़ाई की है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद इन जनाब को तो देश को अब तक चांद पर ले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? आईएनएक्स मीडिया शारदा चिटफंड में 1.4 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप। एयरसेल मैक्सिस सौदे में 3500 करोड़ रुपए की डील अकेले ही पास कर दी। एविएशन घोटाले में 1250 करोड़ के लाभ का आरोप। इनके अलावा भी इनके ऊपर कुछ और आरोप हैं। ये जनाब अकेले नहीं, इनके बेटे पर भी कई आरोप हैं। नंबर दो, ए राजा। पढ़ाई के मामले में ये जनाब भी किसी से कम नहीं। कानून की डिग्री लिए हुए इन जनाब को जिम्मेदारी मिली तो 1,76,000 करोड़ का 2G का ऐसा घोटाला कर डाला जिसने कांग्रेस को डुबो दिया। अब बात ईमानदारी के नाम पर राजनीति में आई आम आदमी पार्टी की सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया, खुद को पढ़ा लिखा बताने वाली और पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने की अपील करने वाली केजरीवाल की एक नेता हैं। मनीष सिसोदिया जनाब पत्रकार थे, सालों तक पत्रकारिता करने के बाद केजरीवाल के साथ आप में आए और मंत्री बन गए। मंत्री बनते ही इन पढ़े लिखे नेता जी ने घोटाला भी पढ़ा लिखा ही किया और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए गटक गए। अब बात अनपढ़ नेताओं की कर लेते हैं। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। जयललिता ने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि वो फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उसके बाद जब वो राजनीति में आई तो उस दौर में देश के सबसे बेहतर नेता के तौर पर पहचान बनाई। केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई करने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि ने केवल अपने राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अहम योगदान दिया। उन्हें एक बेहतर और ईमानदार नेता के तौर पर देखा जाता है। अब आपने पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों नेताओं की कुंडली देख ली। आंकड़े साफ हैं कि पढ़े लिखे नेताओं ने जो गुल खिलाए हैं, क्या उससे देश की तरक्की होगी? अन अकेडमी के टीचर और केजरीवाल साहब के बयान के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने की बात ठीक है? वैसे हाल ही में केजरीवाल साहब ने कहा था, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी की आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जन प्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। लेकिन इस बयान को देने से पहले केजरीवाल साहब ये भूल कर गए कि उनके एक पढ़े लिखे नेता जेल में बंद है और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। खुद उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो आपका अन अकेडमी की टीचर के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना सही है?